हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं थायडुल बशार, आप लोगों का दोस्त, काउंसिलर, एडमिशन गाइड, आप लोग जो भी जिसकी हिसाब से माने। हम लोग बात करेंगे एक किर्गिस्तान का एक मेडिकल कॉलेज जिसका नाम है एशियन मेडिकल कॉलेज और एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये कॉलेज 2004 में इस्टेब्लिश हुआ और ये लोकेटेड है किर्गिस्तान का कैंट सिटी में। दोस्तों, इस कॉलेज के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले हम लोग थोड़ा किर्गिस्तान के बारे में भी जान ले, ये बेटर रहेगा। तो शुरू करते हैं किर्गिस्तान का बारे में। किर्गिस्तान का जो फॉर्मल नेम है वो है किर्गिस रिपब्लिक, शॉर्टली हम लोग किर्गिस्तान बोलते हैं। इंडिया का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट राजीव गांधी जी जब बिश्केक में गया पहली बार, किर्गिस्तान का चीटी बिश्केक में जब गया, तो उन लोग राजीव गांधी जी ने बोला था कि मैं जब किर्गिस्तान में आता हूँ तो मुझे हमारा कश्मीर याद आता है। इसका मतलब आप लोग समझ ही गए हैं कि कश्मीर का जैसा वेदर है किर्गिस्तान का भी वेदर सब है। ये किर्गिस्तान का जो लोकेशन है ये सेंट्रल एशिया में है और किर्गिस्तान जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो उज्बेकिस्तान के साथ, ताजिकिस्तान के साथ और चाइना के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं। किर्गिस्तान में पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 7 बिलियन है और किर्गिस्तान का कैपिटल है बिश्केक, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है किर्गिस्तान का। किर्गिस्तान का लैंग्वेज, मेन जो लैंग्वेज है वो किर्गिस है, लेकिन वहाँ रशियन भी चलता है, रशियन लैंग्वेज भी वहाँ पे चलता है और रशियन लैंग्वेज भी रिकॉग्नाइज है ऑफिशियल लैंग्वेज की तरफ। किर्गिस्तान का जो रिलीजन है, रफली 80% जो पॉपुलेशन है वो इस्लाम की फॉलोअर्स है, बाकी 15-20% वो रशियन ऑर्थोडॉक्सी उसका फॉलोअर है। किर्गिस्तान का जो करेंसी है वो किर्गिस सोम है ऑफिशियल करेंसी। फ्रेंड्स, तो ये एक आइडिया था किर्गिस्तान का बारे में। अभी हम बात करते हैं कॉलेज के बारे में, एशियन मेडिकल कॉलेज। एशियन मेडिकल कॉलेज पहले ही मैंने बोला कि ये कान सिटी में है और ये कॉलेज लिस्टेड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। ये कॉलेज MCI और अभी का NMC से भी लिस्टेड है, मतलब इंडियन बच्चा वहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कॉलेज 3 टाइप का मेडिकल कोर्सेस ऑफर करते हैं, जनरल मेडिसिन MD 5 ईयर का, जनरल मेडिसिन MD 6 ईयर का और BDS 5 ईयर का। ये जो लैंग्वेज है, एडुकेशन का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ये जो कॉलेज का जो लोकेशन है कैंट सिटी, ये बिश्केक से 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। बिश्केक से कॉलेज तक हम लोग बाय ट्रेन, टैक्सी और कार से पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। और आप सबको मालूम ही होगा कि बिश्केक में जाने के लिए हमको मतलब दिल्ली से फ्लाइट ही लेना पड़ेगा, उससे कोई एक्स्ट्रा मतलब अल्टरनेटिव कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है। ये जो कॉलेज है एशियन मेडिकल कॉलेज, ये कॉलेज में किर्गिस्तान का जो स्टूडेंट है वो भी पढ़ाई करते हैं और अदर देन किर्गिस्तान कंट्रीज, जैसे हो गया पाकिस्तान से बच्चा वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाता है, इंडिया का बच्चा काफी सारा जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, नेपाल का काफी सारा बच्चा वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाता है, फिर तुर्की का बच्चा जाता है, इजिप्ट का स्टूडेंट जाता है, सोमालिया का स्टूडेंट, रशियन स्टूडेंट, फिर उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारा कंट्रीज से बच्चा इस कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए हर साल जाता है। और अभी तक 2004 से अभी तक 15 कंट्रीज से 8 बेस ग्रेजुएट हुआ है
और वो अपना देश में, अपना रिस्पेक्टिव कंट्री में वो जॉब कर रहा है, जैसे कि किर्गिस्तान में, कजाकिस्तान में, रशिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में। और ये सारा बच्चे जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है उस रिस्पेक्टिव कंट्री का वो क्लियर किया है। जैसे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है इंडिया का MCI, अदर कंट्री का NAB होता है, NLE होता है, MBCN होता है, USMLE होता है, फिर PLAD, ये सब लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है। ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज में जो एक फीस का जो इशू है वो एक्चुअली जो बजट चाहिए एक स्टूडेंट को वह मेडिकल मेडिसिन का MD 5 ईयर और 6 ईयर का पढ़ाई करने के एक लाम सम जो है वो है होगा मोटा मोटी कॉलेज का फीस, फिर उसका ट्रैवल कॉस्ट, फिर हॉस्टल का, ये सब मिला के एक लाम सम एक 20 लाख का एक बजट होना जरूरी है। और ऐसा नहीं कि ये 20 लाख का जो है ये एक बार में वन टाइम में पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये स्मॉल इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है। इस कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट हॉस्टल्स हैं, कमन हॉस्टल नहीं, सेपरेट हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स के लिए सेपरेट, बॉयज के लिए सेपरेट विद वार्डन। और इंडियन फूड के लिए इंडियन मेस है, वहाँ बच्चे जो स्टूडेंट इंडियन स्टूडेंट वहाँ इंडियन मेस में खाना खा सकते हैं। इस कॉलेज का एफिलिएटेड हॉस्पिटल है काफी सारा, जहाँ स्टूडेंट इस कॉलेज का स्टूडेंट वहाँ इंटर्न के टाइम पे और तो क्लिनिकल पार्ट वहाँ कर सकते हैं, जैसे CT।